एक लोटा चल लेना, उस जल में थोड़ा सी काले तिल डाल देना, थोड़ा सा गुलाब जल डालना, थोड़ा सा चंदन डालना और अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना, अपने ही घर के साथ परिक्रमा कर और ले जा करके उसे जल में चढ़ा देना। जल जीवित है, मैंने कई बार बताया है, जल में आत्मा है, जल में पवित्रता है, जल में सोच है, हाँ, जल में एक 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 समझ है, जल की एक 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 याददाश्त है जो कभी खत्म नहीं होती। ले जाकर जैसे ही तुम भगवान शिव पर चढ़ाओगे, तुम्हारा पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जघन्य दोष, जितने भी प्रकार के दोष हैं कुंडली के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तुम करके तो देखो, पूरे मन से चढ़ाना, और जब तुम चढ़ा रहे हो तो वो नमः शिवाय बोलते रहना बार बार, देखना मेरा नाथ कितनी जल्दी सुनता है। समस्या तुम्हारी है, समाधान तुम्हें ही चाहिए, किंतु समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक देवता है, जिसका नाम भगवान शिव है।